णधार सुंदर सा जी श्रृंगार में एक प्रकरण है हक मासूम की जुबान की सिफत है उनकी रचना कैसी है कल श्रीवास्तव जी का आदेश था इस पर चर्चा करने का वो नहीं हो पाया राज जी की आवाज कैसी है उस प्रकरण का मूल विषय है जाको नाम है रसना होसी कैसी मीठी हक जिनके जैसी बुजुर्ग की जुबान हो तीन मापक ये पहली चौपाई शुरू होती है आप यह देखिए ये चौपाई संकेत कर रही है कि जो जितना महान होता है उसी के क्रम में उसकी वाणी की मधुरता बढ़ती जाती है हमने तन को धारण किया है और ये मानवतन सत्वरजतम से होकर गुजरता है हमारे शरीर में जितने अंग हैं सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर के जो भी भाग हैं हमारा मन है चित्त है बुद्धि है अहंग है सूक्ष्म शरीर में जो हमारी इंद्रियाँ हैं स्थूल शरीर में ये हाथ पैर जो दिख रहे हैं शरीर के अंग, अंग दिख रहे हैं ये सभी सत्व रजतम की कार साम्य कारण प्रकृति से बने हैं जब हमारे मन में का तामस का प्रबल्यता हो जाए तामस की प्रबल्यता हो जाए तो निश्चित है कि हमारे कर्म दूषित हो जाते हैं हमारे विचारों में दूषितपना पना आ जाता है हमें सबसे पहले वैचारिक प्रदूषण से बचना होगा वैचारिक प्रदूषण है तो मानसिक प्रदूषण है मानसिक प्रदूषण का ज्वालामुखी यदि फूटता है तो संसार का विनाश हो जाता है वो कोई हथियार लेकर के नहीं आता आज जो आतंकवाद का प्रदूषण फैला है ये मानसिक प्रदूषण है वैचारिक प्रदूषण है एक ऐसी विचारधारा जो ये मानती है कि हमारी विचारधारा के अतिरिक्त अन्य किसी को संसार में रहने का अधिकार नहीं है और वो क्या करती है हथियार उठा लेती है और लाखों निरपराध स्त्री बच्चे मारे जाते हैं किसके नाम पर अल्लाह के नाम पर धर्म के नाम पर हमें क्या करना है आज होली का तो पुनीत त्यौहार है इसमें हमारे लिए आत्मचिंतन की घड़ी है कहीं उस रास्ते पर यदि हम नहीं भी चल रहे हैं तो कहीं हमारा मन ललचा तो नहीं रहा है वाणी क्या कहती है जाको नामे रसना हो सी कैसी मीठी हक जिसका नाम ही ये रसना रसना अर्थ क्या होता है जो रस को बाहर प्रकट करती है वैसे तो रसना हमारी जीवा को कहते हैं क्योंकि जीवा दो काम करती है एक तो बोलने का कार्य करती है तो कर्मेंद्री है और रस की अनुभूति करती है हमारे मन को रस की अनुभूति कराती है इसलिए वो रसना है और कर्मेंद्री के द्वारा हमें वाणी के भी रस की अनुभूति कराती है जैसे आपसे यदि कोई बहुत मीठे शब्दों में बोले तो उसके शब्द आपके हृदय में चुप जाएंगे कड़वे शब्द भी चुप जाएंगे लेकिन कड़वे शब्दों की पीड़ा को आप भुला नहीं पाएंगे आपका हृदय दुखी हुआ करेगा जब उसकी स्मृति आएगी तो मीठे शब्दों की स्मृति जब आएगी तो आप भाव विवल हो जाया करेंगे मैं आपको एक घटना का दृष्टांत देता हूँ मैंने अपने जीवन में जितनी पत्रिकाएं देखी हैं उसमें तपोभूम जो मथुरा से निकलती थी आज से 20 वर्ष पहले मैंने पढ़ा था उसमें एक लेख था जिस लेख को आज तक मैं अपने स्मृति में बसाए हुए हूँ उस का लेख का लेखक कहता है कि एक बार मैं सवेरे सवेरे सोया था एक छोटा बालक महात्मा था मेरे घर के से थोड़ी दूरी पर मुझे भजन गा रहा था भोर के चार बजे का समय था वो बालक अपना भजन समाप्त करने के पश्चात यह आग्रह किया करता था कि हम महात्मा लोग हरिद्वार जा रहे हैं कोई दानी दाता हो तो हमारे कंबल के लिए हमारे भोजन के लिए कुछ सेवा कर दे उसके भजनों से मेरी नीत टूटी मैंने दरवाजे से बाहर देखा कि एक बालक महात्मा यह सवेरे सवेरे सुर मचा रहा है मेरी नींद को भंग किया मैं गया और कस करके चाटा लगा दिया बिना कुछ पूछे वो बालक महात्मा मासूमियत से कहता है कि बाबा जी आपको दान नहीं देना है तो मत दीजिए मैं दबाव तो नहीं दे रहा हूं उसने क्रोध नहीं किया उसके चेहरे पर क्रोध का कोई चिन्ह नहीं शांत भाव से मुस्कुराते हुए कह रहा है लेखक लिखता है कि मेरे चांटे उसने मैंने जो चांटा मारा उसको तो एक दिन में वो भूल जाएगा वैसे मैंने कसकर चांटा मारा था क्योंकि मेरी निद्रा भंग हो गई थी उसने जो मुझे चांटा मारा है आज तक मैं उसको भुला नहीं पा रहा अब सोचिए उस बालक महात्मा ने शालीन भाषा में शालीनता से उत्तर दे दिया कि बाबा जी आपको नहीं देना हो तो मत दीजिए मेरा दबाव नहीं है उसने क्रोध नहीं दिखाया कि आप क्यों चांटा मार रहे हैं महान कौन है वो बाल्यावस्था में भले ही कुछ कि, किशोरावस्था का एक महात्मा है उसमें सहनशीलता है वो महानता है और क्रांति कौन करता है चीखने चिल्लाने वाले कभी क्रांति नहीं करते ये जितने मुल्ला लोग तकरीरें देते हैं भड़काते हैं कि हथियार लेकर काफिरों को मारो ये कभी क्रांति नहीं ला सकते क्रांति मोहम्मद साहब ने की जिनके ऊपर बुढ़िया कूड़ा करकट फेंक देती थी तो कुछ नहीं बोलते थे चुपके चाप चले चल जाते थे जब वो बीमार पड़े मोहम्मद साहब खुद चलने चल उसके पास गए कि माता आज तो तुमने अपना उपहार दिया नहीं जो प्रतिदिन देती थी एक महात्मा था जो ऋषि दयानंद को प्रतिदिन सुना सुना कर गालियां दिया करता था ऋषि दयानंद मुस्कुराते रहते थे कुछ नहीं बोलते थे वो भी जब बीमार पड़ा दयानंद जी ने कुछ उसके पास मीठे फल भिजवा दिए उस फल को देखकर वो और गाली देने लगा कि दयानंद क्यों मेरे पास मीठे फल भिजवाएंगे मैं तो इतनी गालियां देता हूं सेवक वापस लाता है दयानंद जी पुनः उसको कहते कि नहीं जाकर कहना कि दयानंद जी ने भिजवाया है जब वो सुनता है तो आकर फूट फूट करके रोता है दयानंद के चरणों पर गिर पड़ा कि इसी मैं आपको जीवन भर गाली देता रहा और आप मेरे बीमार होने पर मुझे मीठे फल भिजवा रहे हैं आप सोचिए एक ऋषि के हृदय में एक विद्वान के हृदय में इतनी करुणा है इतनी ममता है जिनके मीठे शब्दों से अपने कट्टर से कट्टर विरोधी को जीत लेते हैं वो हम सुंदर क्या करते हैं जागो नामे रसना होसी कैसी मीठी हक राज्य के हृदय में क्या है अनंत प्रेम का सागर उनके हृदय में घृणा नहीं है राग नहीं है द्वेष नहीं है काम नहीं क्रोध नहीं लोभ नहीं मोह नहीं प्रेम का आनंद का दया का ऐसा अनंत सागर लहरा रहा है जिसकी एक कुछ बुद्धों से बेहद मंडल की रास की लीला में आनंद आ रहा है और रास की लीला में जो आनंद है उसको सागर मान लिया जाए तो कुछ बूतों से ब्रज में आनंद आ रहा है ब्रज की लीला में जो प्रेम और आनंद है उसको सागर मान लिया जाए तो कुछ बूंदों से निराकार में आनंद आ रहा है और निराकार के प्रेम आनंद को सागर माना जाए तो बैकुंठ में उसकी कुछ बूंदें हैं और उनकी कुछ बूंदों को लेकर ही बैकुंठ में प्रेम और आनंद जो है उसको सागर माना जाए तो उस उन कुछ बूंदों में दुनिया के ऋषि मुनि योगी यति महात्मा प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं इस संसार में प्रेम और आनंद है ही नहीं न प्रेम है न आनंद है तृष्णा है आशक्ति है राग है मोह है आप सोचिए जिस हृदय में अनंत प्रेम बहता हो जिसके दर्शन के लिए सारा ब्रह्मांड तरसता हो यदि वही अपने मुख से अपनी रचना से शब्द उच्चारित करेगा तो कैसा लगेगा और किसको उच्चारित कर रहा है जिनको वो रिझाता है संसार अक्षरातीत की महिमा गाता है अक्षरातीत के कृपा दृष्ट को पाना चाहता है किंतु अक्षरातीत को आनंद तम मिलेगा जब अपनी आत्माओं को रिझाएंगे केवल आप नहीं रिझाते हैं फना कौन होता है आसिक असल अर्स के बीच में हक का नाम आसिक आशिक अपने मासूक को रिझाता है हक को काम कुछ और नहीं देवे रूह लाड लज्जत आप तो भगत और भक्तिन बने हैं ना इसलिए राज्य के प्रेम का को कोई जानता नहीं जैसे दुनिया वाले नवधा भक्ति करते हैं आप भी वैसे ही करते हैं मत्था टेका प्रसाद चढ़ाया प्रसाद लिया परिक्रमा की कान पकड़ करके कहते हैं कि राजी माफ कर देना माफ कर देना आपने प्रेम की गति को नहीं जाना जिसके आगे कान पकड़ रहे हैं वो आप को रिझाता है बड़ी बड़े इनकी जा की सिफत करे जुबान संसार महिमा गा रहा है अक्षरातीत की और अक्षरातीत महिमा किसकी गा रहे हैं लाडिया लाहौद की जा की असल चौथे आसमान इस बात को यदि सुंदर सा हृदयंगम कर लें कि हम कौन हैं कि हमारी महिमा अक्षरातीत गायें वे हमको रिझाना चाहें और अपनी अमृतमयी वाणी से हमारे हृदय में अपने प्रेम का रस उड़ेलते हैं तो शायद हम संसार को उसी समय छोड़ देना चाहेंगे हम चौपाइयाँ जरूर पड़ जाते हैं लेकिन चौपाइयों में क्या भाव दर्शाया गया है यह हमारे हृदय पटल पर अंकित नहीं होती है मस्तिष्क में जरूर अंकित हो जाती है मस्तिष्क का अलग कार्य है हृदय का अलग कार्य है जिसको बोलचाल की भाषा में दिल और दिमाग कहते हैं जो दिमाग में है आवश्यक नहीं कि हमारा हृदय उसको आत्मसात करे। मस्तिष्क के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो भावनात्मक होते हैं कुछ प्रेममयी होते हैं और कुछ विवेचनात्मक होते हैं विवेचनात्मक वाला भाग जो विकसित होगा तो भावनात्मक भाव आवश्यक नहीं है किसी किसी का होगा जिसका बौद्धिक विकास भी होगा भावनात्मक विकास भी होगा प्रेममयी संवेदना भी जिसके अंदर रहेगी अंतकरण में बुद्धि का कार्य है विवेचना करना मन का कार्य का है संकल्प विकल्प करना चित्त का कार्य है चिंतन करना अहम का कार्य है अहमपना करना मन में विवेचना की प्रवृत्ति नहीं है मन संकल्प विकल्प करता है कि ये करूं ये अंतकरण का सारा कार्य क्षेत्र मस्तिष्क है अंतकरण कारण शरीर है मस्तिल स्थूल शरीर है अंतकरण जब मस्तिष्क में प्रेरणा पैदा करता है तो किसी का भावनात्मक विकास भावनात्मक किसी के द्वारा कार्य होते हैं किसी के द्वारा प्रेममयी किसी के द्वारा ज्ञानमयी हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग कर रहा है दिमाग तो बेचारे स्थूल शरीर है वो तो आदेश पर चलने वाला है हमारे हृदय में अक्षरातीत की कैसी पहचान है उस पहचान के अनुसार ही हमारा कार्य क्षेत्र बनता है यदि हमने देवी देवताओं की भावना रखकर राज्य को रिझाना सीख लिया तो हम क्या करते हैं माला फेर लिया पाठ कर लिया कुछ और प्रक्रियाएं जैसे वो लोग करते हैं यदि हमने प्रेम के धरातल पर राज्य को देखा तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी राज्य क्या करते हैं क्या आपने कभी सोचा है मैं इस छपाई के बारे में एक बात कहना चाहूँगा हम सुंदर साथ की का गिला सिकवा हमेशा बना रहता है इतने दिन चितवनी करते हो गए इतने दिन वाणी पढ़ते हो गए राज्य तो हमारी कुछ सुन ही नहीं रहे हैं माया में लाकर पटक दिया है दुख ही दुख दिखा रहे हैं इसे हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य बहुत नासमझ हैं हम ज़्यादा समझदार हैं और राज्य को दुख नहीं देना चाहिए वो हमको दुख दिखा रहे हैं रांची ने क्या है कहा है दुख न देूँ फूल पाखड़ी देखूँ सुतलें उपजाऊ सुख सबों अंगों बुलाऊ मीठे बहन किसी को फूल की पंखड़ी से आज होली के त्यौहार है ना आप एक दूसरे पर फूल की पंखड़ियों से प्रहार करेंगे किस भाव से प्रेम के भाव से उससे कष्ट नहीं होगा राज्य कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर फूल की पंखड़ी फेंकने पर भी कष्ट होता है उतना भी मैं कष्ट तुमको नहीं दे सकता लेकिन मैं क्या करूं? दुख को नहीं दिखाऊंगा तो इस ही संसार में तुम उलझे रहोगे इसी को सब कुछ मानोगे मेरे से पीठ मोड़े रहोगे तुम्हें तो जो सुख दिखता है वो सुख नहीं है आपको एक करोड़ का प्रॉफिट हो जाए तो सबको बताते फिरेंगे देखिए राजी की कितनी मेहर हुई है कि मुझे एक करोड़ की प्रॉफिट हो गई है आपकी कोठी तैयार हो गई दस गाड़ियाँ आ गई तो बताते नहीं थकेंगे मेरे ऊपर अपार मेहर है राज्य की मेरे ऊपर दस मर्सिडीज कारें हैं दस ये हैं ये तो स्वप्न है जीव शरीर से निकला नहीं ये तो सब यहीं का ही रह जाना है आपकी आत्मा को क्या मिला आप मेहर सागर के गोटे पढ़, पढ़ करके भीख मांगा करते हैं ना क्योंकि आज तक तो यही सिखाया गया है कि मेहर सागर का गोटा पढ़ लो तुम्हें धन मिल जाएगा पुत्र मिल जाएगा बहू मिल जाएगी पोता मिल जाएगा और सब हो जाएगा ये मेहर नहीं है जो कुछ आपको सपने में मिल रहा है इसको मेहर मत समझिए मेहर का तात्पर्य यह है आठों सागरों का रस आपके हृदय में उड़े उड़ेला जाने लगे आपकी आत्मा के चक्षु खुल जाएं आप जी भर करके राज्य को देखो राज्य आपको देखें आप अपनी आत्मा की जीवा से रचना से उनसे बात करें और उनकी रचना की आवाज आप वैसे ही सुने जैसे परम धाम में सुनते रहें जाको नाम है रचना होसी कैसी मीठी हक अब सोचिए जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं है यदि हमारी माँ हमसे बहुत अच्छा से प्रेम से बोल देती है हमारे गुरुदेव बहुत प्रेम से बोलते हैं हमारा भाई हमारा मित्र प्रेम से बोलता है तो हमारे हृदय में वो प्रेम की छवि बसी रहती है अब सोचिए जिसके पास प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है घृणा का अंश भी नहीं है क्रोड़मा अंश भी नहीं है यदि घृणा को सुई की नोक बराबर माना जाए तो सुई की नोक का करोड़ा अंश भी राज्य के पास नहीं है बैर उनके पास नहीं है क्रोध उनके पास नहीं है ऐसा मधुरता का मधुरता का अनंत सागर जिनके हृदय में लहरा रहा है वो हमसे बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा और ये सिखापन किस किसके लिए है हम सुंदर साथ के लिए है क्योंकि रांची ने एक बात बाणी में विशेष रूप से कही है ये मोहे कही वो न जावी जो कहे साथ में कटु वचन यदि सुंदर साथ में कोई किसी को कटु वचन कहता है तो मुझे जरा भी सहन नहीं होगा यदि हम सच्चे सुंदर साथ हैं तो हमें वाणी के निर्देशों का पालन करना होगा और हमारे हृदय में मिठास होनी पड़ेगी लेकिन मिठास के कई रूप हैं जैसे हरियाणा और पश्चिमी यूपी की भाषा अक्खड़ साहिब खड़ी बोली है खड़ी बोली है, नहीं अखर टाइप की है यहाँ का व्यक्ति प्रेम से भी बोलता है तो ऐसा लगता है कि डंडे मार रहा है और बिहार की मैथिली भाषा इतनी मीठी है कि उस मैथिली भाषा में गाली भी देगा तो लगेगा कि बहुत प्रेम से बोल रहा है तो माधुरता का आंकलन शब्दों से नहीं देखना चाहिए शब्दों में नीत भाव से देखना चाहिए चाहे किसी की बुलंद आवाज होती है किसी की थोड़ा बारीक आवाज होती तो इसका मतलब ही नहीं कि बारीक आवाज वाला मधुरी बोल रहा हो और कड़कती आवाज वाला कड़वा ही बोल रहा हो ये नहीं हृदय के जो भाव हैं किस रूप में प्रकट हो रहे हैं ग्रंथकारों में कहा गया है यो यथा चिंतियत स तथा बदत यो यथा बदत जो जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है जो वैसा बोलता है वैसा ही कर करता है यत मनसाध्याय कर्मणा करोत योत जो मन से जैसा सोचता है वाणी से उसको व्यक्त करता है वाणी से जो बोलता है कर्म में उसको आचरण में लाता है और जैसा कोई आचरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है इसलिए हमें दूसरे को किस भावना से देखना होगा जैसा हमारे पास तो तारतम ज्ञान आ गया है तारतम ज्ञान के आने से पहले उपनिषदों में वेदों में ऋषियों की वाणियों में ऐसी अनमोल वाक्य भरे पड़े हैं जिनका वो तो पालन करते रहे हैं हम नहीं कर पाए आप देखिए यजुर्वेद का चालीसवा अध्याय है उसमें एक बात कही गई है तह मोह कह सोका यो एक तुम मुझे बार बार न चाहते हुए भी मेरी जीवा पर यह मंत्र आ जाया करता है त्र का मोहक कह सो कह यो एक अनुपस्थित जो सब <coughs> सब में एकत्व को देखता है जो चेतना मेरे अंदर है वही चेतना सबके अंदर है उसको मुंह और शोक नहीं होता मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ क्या हमारा समाज इस कथन पर खरा उतरता है पंजाब के सुंदर साथ आएंगे तो तुसी तुसी वाले एक हो जाएंगे गुजरात वाले सारू छू छ वाले सब एक हो जाएंगे नेपाल वाले हुंचा हुंचा वाले सब एक हो जाएंगे सब ने अपनी अपनी भाषा का विभाग बना रखा है अमीर लोग एक साथ बैठेंगे गरीब एक साथ बैठेंगे काले लोग बेचारे एक जगह हो जाएंगे सुंदर स्वरूप वाले एक जगह हो जाएंगे सब ने दीवाले खींच रखी है शरीर का भेद धन पद प्रतिष्ठा के भेद के आधार पर हमारे बीच में दीवाले बनी है हम कि किसी की आत्मा को नहीं देखना चाहते तो प्रेम की वाणी कहाँ से निकलेगी हमारा मित्र हो तो उसे बहुत प्रेम से बोलेंगे सहेली हो बहुत प्रेम से बोलेंगे और जो अपरिचित हो उसके लिए कोई जगह नहीं एक बार जानपीठ में इस शायद रतनपुरी में एक शिविर लगा था मैं उस समय रतनपुरी में था दिल्ली से बस जा बस आई थी जब वो जाने लगी मैंने प्रोफेसर ए वी रामचंद्रन जी को उस बस में बैठा दिया और दिल्ली वालों से कहा कि भाई इनको लेते जाना सारे नवयुवक अच्छी अच्छी सीटों पर बैठ गए बेचारे प्रोफेसर साहब को कोई पहचानता नहीं था उन्होंने तब उनको बोनट पर बैठा दिया बोनट के पास तब ती दोपहरी में जून का महीना था उनके शरीर फफुले पड़ गए किसी ने ये नहीं सोचा आप जानते हैं प्रोफेसर ए वी रामचंद्रन ने लगभग 25 व्यक्तियों को पी कराई है दुनिया के वैज्ञानिकों में उनका नाम आता है लेकिन हमने मूल्यांकन किस लिए नहीं किया क्योंकि वो हमारी मित्र मंडली में नहीं आते थे हम अपने परिवार से जुड़े लोगों को अपने प्रांत से अपने नगर के लोगों को अपना समझते हैं दूसरों को अपना नहीं समझते यही सबसे बड़ी हमारी भूल होती है धनी ने क्या कहा है अभी आपने कीर्तन सुना था मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम मेरे मीठे बोले जा साथ जी महामती जी की आत्मा करिए रही है कि मेरे माधुरता से भरे हुए मीठे बचनों से जो राज्य ने मेरे धाम हृदय में बैठ कर कहवाया है तुम्हारा काम बन गया है हमारा काम क्या था कि हमें परम धाम की कोई राह दिखा दे और उस पर चला दे अर्श बका पर सीता कराउ से इमाम उस तन से वाणी अवतरित होती है और सबको कह दिया गया कि परम धाम का ध्यान करो यह मुख्य कार्य था जो न ब्रज में हुआ था जो न रास में हुआ था न श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में हुआ था एक चीज देखिए आप अपनी पहचान कैसे करेंगे एक चौपाई श्रृंगार में आती है मीठी जुबा मीठे वचन मीठा हक मीठा रू प्यार मीठी रूह लेवे मीठे अर्स की जो मीठा करे विचार चौथे चरण का अंतिम शब्द है जो मीठा करिए विचार ये वाणी क्या है माधुरता के रस का सागर उलट रही है यदि हमारे विचारों में मा, मा, माधुरता है मीठा विचार करने का तात्पर्य क्या है विचार के कई भेद होते हैं देखिए धृतराष्ट्र के विचार में और शकुनी दुर्योधन के विचार में क्या अंतर है धृतराष्ट्र का विचार मोहात्मक है दुर्योधन का विचार शकुनि का विचार पापात्मक है धर्म रा, धर्मराज युधिष्ठिर का विचार धर्म परक है विचार सभी कर रहे हैं क्योंकि मन है तो संकल्प विकल्प करेगा विचारों से रहित तो कोई व्यक्ति नहीं होगा एक पक्ष, पक्षी भी विचार करते हैं कि हमें क्या करना है मीठी रूह हमारी आत्मा क्या माधुरता के, के रस की सागर है क्योंकि राज्य जैसे हैं उनकी आत्मा भी वैसे ही होगी ये बात हमको नहीं मालूम है हम क्या कहते हैं कि राज्य आप हमें इश्क तो हमारा इश्क छीन लिया है श्री मोहम्मद के ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर लो प्याले यह में पियो फूल भर भर हम क्या है निस्बत के सागर हकीकत में तो हम निस्बत के सागर हैं मारिफत में निस्बत के सागर राज्य है हकीकत में तो हम भी हैं यदि हमारे अंदर कम इसको होता तो परम धाम में निर्णय हो जाता राज्य के हृदय में जितना प्रेम है उतना प्रेम तो परात्म के हृदय में भी है तभी तो वहदत होने के कारण निर्णय नहीं हो सका कम अधिक वहाँ हो नहीं सकता यहाँ दिखा रहे हैं कि सभी दिलों में तो मैं हूँ सभी स्वरूपों में मैं हूँ तुमने अपने को मुझसे अलग कैसे माना इसको साधारण दृष्टांत से मैं समझा देता हूँ तो ये बात आसानी से समझ जाएगी जैसे एक युवा का विवाह होता है अपनी पत्नी को लाता है पत्नी एक एक दिन गिनती रहती है सेवा करती है सब कुछ बनाती है महीना जब पूरा होता है तो कहती है कि पतिदेव आज मुझे वेतन मिलना चाहिए पतिदेव कहते हैं कि तुम घर के मालकिन है वेतन क्यों चाहिए कहती है कि मैं आपको खिलाती पिलाती हूँ सेवा करती हूँ पतिदेव समझाना चाहते हैं कि तुम मेरी अर्धांगनी हो जो मेरा घर है वो तुम्हारा है मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है तुम वेतन क्यों लेना चाहती हो आप समझ रहे हैं कहने का अर्थ परम धाम में इस गवत का अर्थ ही है कि हमने वेतन मांगा क्योंकि हमने अपने को अलग मान लिया था यह समझाने के लिए कि तुम मेरे दिल हो तुम्हारा मेरा स्वरूप है तुम्हारे रूप में मैं ही क्रीड़ा कर रहा हूँ ये ब्रजराज और जागने का नाटक रचा गया राज्य माधुरता के सागर हैं तो आपकी परात्म के तन भी माधुरता का सागर है मीठी रूह लेवे मीठे अर्स की जो मीठा करे विचार परम धाम माधुरता का सागर ब्रह्मात्माओं के हृदय माधुरता के सागर और मीठी जुबान मीठे वचन सबकी रचना में क्या है माधुरता की रस की सागर तो आवाज़ कैसे निकलेगी माधुरता भरी इस संसार में भी यदि हम माधुरता का एहसास कर लें तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा लेकिन माधुरता का अर्थ ऐसा नहीं होता है जैसे कि कुछ माता पिता करते हैं बच्चा सो रहा है आठ बजे सो रहा है नौ बजे सो रहा है कहते हैं कि बेटे सोते रहो तो ये माता पिता नहीं है शत्रु हैं। मिठास का तात्पर्य ये नहीं है कि लाट करके उसको बिगाड़ देना हृदय में माधुरता हो हम स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा न सोचें। संतों ने एक बहुत ऊंची बात कही है मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर श्रवण द्वार हवे संचरे साले सकल शरीर मधुर वचन औषधि का काम करते हैं कड़वे शब्द कान के माध्यम से प्रवेश करके पूरे शरीर में पीड़ा का एहसास करा देते हैं तलवारों के घाव मिट सकते हैं शब्दों के घाव कभी नहीं मिटते जीवन भर याद रहते हैं यदि द्रौपदी ने यह नहीं कहा होता कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं तो शायद महाभारत के युद्ध या तो नहीं होता होता भी तो हल्का होता दुर्योधन को ये चोट ऐसी लगी उसने तय कर लिया कि मुझे पांडवों का विनाश करके ही चैन लेना है और तभी दूत क्रीड़ा दूत क्रीड़ा का आयोजन हुआ और महाभारत के युद्ध की भूमिका बन गई यदि सीता ने लक्ष्मण को यह नहीं कहा होता कि लक्ष्मण तुम चाहते हो कि राम मर जाए और तुम मुझे रख लो तो शायद सीता का अपहरण ही नहीं होता और रावण का विनाश भी नहीं होता एक जीवा से निकली हुई कड़वी माड़ी बड़े बड़े साम्राज्य का पतन कर देती है आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में अठारह अक्षौणी सेना मारी गई थी 18 अक्षौणी सेना में सैतालीस लाख से अधिक सैनिक आते हैं जो दोनों विश्व युद्ध हुए उसमें भी इतने लोग नहीं मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में केवल चार लाख लोग मारे गए थे और महाभारत के युद्ध में सैतालीस लाख से अधिक जनता मारी गई थी केवल एक द्रौपदी की जीवा की कटता के कारण परमधाम की आत्माओं को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके शब्दों से कोई आहत ना हो चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो स्त्री हो पुरुष हो क्योंकि सबके अंदर हमें चेतना को देखना है यह बात ध्यान में रखिए संसार में क्रांति किसने की क्रांति किसको कहते हैं किसी कार्य में प्रचंड जागरूकता जब हो जाती है सभी उसके लिए तत्पर हो जाते हैं उसको कहते हैं क्रांति अट्ठारह की जो क्रांति है वो तो हिंसक क्रांति है एक होती है वैचारिक क्रांति वैचारिक क्रांति जैसे कार्ल मार्क्स ने दुनिया में एक वैचारिक क्रांति पैदा कर दी अपनी विचारधारा की बुद्ध ने क्रांति की बुद्ध ने कभी हथियार नहीं उठाया एक ऐसी क्रांति पैदा कर दी देखा कि वेद और परमात्मा के नाम पर पशुओं के मांस को हवन कुंड में डाला जा रहा है तो उन्होंने कह दिया कि यदि तुम पशुओं की हिंसा करते हो परमात्मा और देवताओं को खुश करने के लिए और कहते हो कि वेद में ऐसा लिखा है तो मैं ऐसे तुम्हारे वेद को ऐसे परमात्मा को और देवताओं को नहीं मानता एक वैचारिक क्रांति थी पूरे देश में डंका बच गया उनके विचारों का केवल भारत ही नहीं चीन जापान मलेशिया इंडोनेशिया अफगानिस्तान तक बौद्ध भिक्षुओं ने धावा मारा और इन विचारों को फैला दिया एक ऐसा सन्यासी जिसके पैरों में खड़ाऊ नहीं है जो वृक्ष के नीचे सोता है वृक्ष के नीचे ही तन छोड़ता है वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त करता है एक अकेले सन्यासी ने पूरे देश में अपनी क्रांति का बिगुल बजा दिया एक शंकराचार्य सोलह वर्ष की अवस्था में आप सोचिए वो व्यक्ति सन्यास लेता है बत्तीस वर्ष की अवस्था तक बौद्ध धर्म को भारत से बाहर निकालकर अद्वैतवाद की स्थापना करता है शंकराचार्य कभी चीखे नहीं बुद्ध कभी चीखे नहीं दयानंद भी नहीं चिखते थे हाँ कभी कभी तेज आवाज में अवश्य बोल देते थे क्योंकि उस समय का वातावरण ही ऐसा था लेकिन उनकी सहनशीलता देखिए दयानंद एक जगह बैठे हैं कुछ लड़के बालू का प गोला बना बना कर उनको मारने लगे दयानंद ने एक बार भी कुछ नहीं कहा सिर नीचा किया वहाँ से चले गए जब बनारस में शस्तार्थ हो रहा था एक तरफ केवल लंगोट पहना हुआ महर्षि दयानंद का व्यक्तित्व है और दूसरी तरफ बारह हजार लोग पौराणिकों के समर्थन में जब शास्त्रार्थ में पौराणिक हार जाते हैं तो दयानंद के ऊपर जूते चप्पल पत्थरों की वर्षा होने लगती है इसके बावजूद भी वो व्यक्ति हंसता रहता है ये क्या है महानता एक शब्द भी किसी को कटुवचन नहीं कहता है यह है सहनशीलता और जिसने इस महानता को पा लिया उसको संसार में हराने वाला कोई नहीं होता हम सुंदर साथ आज तक मधुर भाषा नहीं सीख पाए एक कड़वा सच है हमारे समाज के अस्सी प्रतिशत वक्ता जब मंचों पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी बात नहीं मानेंगे तो चाँटा मार देंगे फिर जनता के हृदय में वो बात कहाँ से जाएगी यह ध्यान रहे समाज धर्म से चलता है सृष्टि धर्म से चलती है और जब तक हमारे वाणी का संयम नहीं होगा हमारे विचारों में सबके लिए कल्याण की भावना नहीं होगी तब तक हमें कभी भी अध्यात्म का चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा यदि हम सभी सुंदर साथ इस चौपाई को अंगीकार कर लें ये मोहे सहयोग न ही जो कहे साथ में कटुक वचन तो हम कभी भी किसी को कटुक कटु वचनों से संबोधित नहीं करेंगे हमारे हृदय में उसके लिए वही मिठास रहेगी जो हम अपने लिए सोचते हैं धर्म का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है आत्मना प्रतिकुलानी पर न समाचरित दूसरों से हम जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम उनके साथ करें चाहे बच्चा हो युवा हो वृद्ध हो स्त्री हो पुरुष हो यदि हम किसी से प्रेम चाहते हैं सम्मान चाहते हैं तो हमें भी प्रेम सीखना पड़ेगा सम्मान सीखना पड़ेगा दूसरे के अंदर हम केवल आत्मा को देखें शरीर को ना देखें कि ये बच्चा है ये बूढ़ा है ये जवान है यदि हमारी आत्मदृष्टि है और संसार के सभी प्राणियों को हम इसी दृष्टि देखेंगे तो हम महानता की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे आप देखिए आप सोचते होंगे कि मैं बार बार दूसरे धर्म के महापुरुषों का नाम क्यों ले रहा हूँ उन्होंने कुछ किया है तो नाम लेना पड़ेगा हमें संकीर्णता नहीं पालनी चाहिए कि आप तो अपने सदगुरु महाराज को बुला दे रहे हो बार बार जब देखो तो शंकराचार्य का गौतम बुद्ध का दयानंद का नाम ले रहे हो क्योंकि बार बार ये मारे, मेरे बारे में कहा ही जाता है कि राजू स्वामी जब देखो इन्हीं को याद करते हैं यदि किसी महापुरुष ने अच्छे कार्य किया है तो उसको कहना पड़ेगा दयानंद को विष दिया जाता है विष देने वाले को बुला करके कहते हैं कि देखो अभी लोग जग जाएंगे तुमको मार डालेंगे जगन्नाथ रसोईया जो विष देता है उसको पैसा देकर भगा देते हैं तुम नेपाल चले जाओ यहाँ रहोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा कितना महान व्यक्तित्व है जो विष देता है अब दयानंद समझते हैं कि मेरा खेल संसार का खत्म होने वाला है उसको भी पैसा देकर भगा देते हैं हमको तो कोई भोजन में थोड़ा सा नमक कम हो जाए लहसुन प्याज न पड़े हो तो हम थाली फेंक देते हैं क्या घास पात लाती हो आप सोचिए हमारे पास परम धाम की वाणी है हमारा हृदय कितना महान है हम कसौटी पर कसे तो संसार के जीव तो हमसे ऊंचा आचरण करते हुए दिख रहे हैं ये होली का त्योहार आत्मंथन का त्योहार है आज इस देश में कितने बकरों की गर्दन पर तलवार चल जाएगी हिन्दू समाज आज खुद मांस खाएगा आप बस में यात्रा करें तो आज नशेड़ी मिलेंगे मांस खाए होंगे नशा बोतल पिए होंगे और कहेंगे कि हम आनंद का त्यौहार मना रहे हैं उन बकरों से पूछे हैं जिनको इस दुनिया से आज विदाई हो जाएगी मुझे आज से पच्चीस तीस साल पुरानी बात है मैंने देखा है कि आज के दिन किस तरह से लोग मांस खाते हैं नशा करते हैं भांग पीते हैं शराब पीते हैं ये त्यौहार तो मनाना नहीं है त्यौहार तो का अर्थ हम संसार के कल्याण के बारे में सोचें मैंने एक बार कहा था ज्ञानपीठ में कि भाई वार्षिकोत्सव में सब लोगों को रात्रि को फ्री दूध दिया जाता है ये सब फ्री दूध बंद करो की सुंदर साथ में संवेदना तो पैदा हो क्योंकि मैंने उस समय बुंदेलखंड में अकाल पढ़ा था पेपर पढ़ा उस पेपर में एक फोटो मैंने देखा वो परिवार तीन दिन से भूखा था छोटी बच्ची कह रही थी कि माँ मुझे भोजन दो माँ कह रही है कि क्या करें अन्न का एक दाना नहीं है मैं तुझे क्या खिलाऊं हमारा समाज चालीस लाख की संख्या में है बड़े बड़े सोने के मंदिर बन रहे हैं और तो और जब कार्यक्रम होते हैं विशेषकर पंजाब के तो देखा जाता है कि चार चार तरह की सब्जियां होती हैं कितनी मिठाइयां होती हैं कितनी क्या होती हैं आखिर उस पेपर को तो सुंदर साथ भी पड़ता होगा किसी के मन में भाव तो नहीं जगे कि उन भूख से बिलकते हुए बच्चों को ले जा के कुछ चलो एक दो ट्रक राशन ही पहुँचा देते हैं और जो सामाजिक कार्य करते हैं संसार उन्हीं को तो याद करेगा आज जग्गी वासुदेवा ने कुछ किया है रामदेव जी ने किया है और जो संस्थाएं समाज के लिए भूख से बिरकते हुए प्राणियों के लिए कुछ करती हैं तो संसार उनको याद करता है कि हमारे लिए फरिश्ते हैं हमारे लिए देवता हैं भगवान हैं हम लोग तो अपने मंदिरों में खूब सुंदर सुंदर बनाते हैं सारे देश के मंदिर ऐसे ही कर रहे हैं परवाही भी ऐसा कर रहे हैं और उनकी नकल करके हम चार मंदिर बनाकर हम भी अपने मंदिरों में छप्पन भोग लगाने की परंपरा डाल दिए वाणी में कहीं नहीं लिखा है कि मुझको छप्पन भोग खिलाओ लेकिन जगन्नाथ जी को छप्पन भोग लगता है क्योंकि वो लकड़ी के बने हैं हिंदुओं की आस्था किस पर है परमात्मा पर नहीं है जगन्नाथ का मंदिर लकड़ी का बना है मूर्ति और जितने शिवलिंग होते हैं या तो पत्थर के होते हैं या धातु के होते हैं लोग सोचते हैं कि साली में भगवान है लकड़ी के मूर्ति में भगवान है या शिवलिंग में भगवान है कहीं वेद उपनिषद दर्शन में कहीं नहीं लिखा है वो तो एक प्रतीक है आप मिट्टी के प्रतीकों को पत्थरों के प्रतीकों को धातुओं की बने हुए प्रतीकों को वो छप्पन भोग खिलाते हो और जिस तन में साक्षात नारायण बैठा होता है उसको दूधकार देते हो तो मुझे लगता है कि ये मंदिर आडंबर की वस्तु हैं इनमें कुछ नहीं रखा है चाहे जगन्नाथपुरी में जाकर छप्पन भोग को चढ़ा दे सोमनाथ के मंदिर में छप्पन भोग चढ़ा दे कुछ मिलना नहीं है ईश्वर नाम हृदय से तिष्ठत अर्जुन और हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण यही है कि हिंदुओं ने अपने हृदय में विराजमान चेतन परमात्मा को छोड़ दिया पत्थरों और लकड़ियों के और धातुओं से बनी हुई मूर्तियों को ही परमात्मा मान लिया हम सुंदर साथ भी सुंदर साथ के हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप की पहचान नहीं करते हैं मूल मिला में विराजमान युगल स्वरूप की पहचान नहीं करते हमारा भी उन्हीं की देखा देखी क्रियाकलाप चल रहा है हम किसी की भावनाओं को समझते नहीं मोमिन दिल कोमल किया तो अर्ज पाया किताब हमारा दिल जब तक कोमल नहीं होगा तब तक हमारे दिल में धनी की शोभा किसी भी स्थिति में विराजमान नहीं हो सकती है आज होली के दिन पर सबको संकल्प करना होगा कि हम मानवता के प्रति करुणा का व्यवहार रखें हमारे घरों में शादी विवाह होते हैं क्या करते हैं एक एक दिन होटल में पच्चीस पच्चीस लाख खर्च कर देते हैं क्योंकि सबको दिखाना होता है कि हम ढाई हज़ार की एक थाली खिला रहे हैं इससे ये कोई महानता नहीं है आप ढाई ढाई हजार की नहीं दस हज़ार की थाली खिलाइए क्या मिलना है आप अमीरों को तो खिला रहे हैं ना आप भूख से बिलकते हुए प्राणियों को खिला दीजिए तब तो अच्छा है लेकिन हम सिमटते जा रहे हैं क्योंकि हम केवल क्यों अपने बारे में सोचते हैं अपने जीव के अहंग को बढ़ाने में लगे हैं इसी को हमें गौरव समझते हैं जिस दिन हम अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचेंगे कि हमारी आत्मा कैसे जागृत हो उस दिन हम संसार के सभी प्राणियों को अपना समझना शुरू कर देंगे और जब तक संसार के सभी प्राणियों को अपना नहीं समझेंगे दिन दुखियों पर दया नहीं की भावना नहीं रखेंगे उनके सुख में अपना सुख उनके दुख में अपना दुख नहीं समझेंगे तब तक निकट नावे नाथ जी राज्य आपको कभी नहीं मिलने वाले हैं आप राज्य के सामने छप्पन भोग का थाल रख दीजिए उनको भूख थोड़े लगती है वो भूख प्यास से रहित हैं उनको सोने के आभूषण नहीं चाहिए सोने के छत्र और चमर नहीं चाहिए सोने का सिंहासन नहीं चाहिए परमधाम के एक कण में इतना प्रकाश है कि सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य छिप जाए हम उनको सोने के मुकुट पहनाकर सोने का सिंहासन देकर के खुश होते हैं हम उस पीड़ा का नहीं करते कि हमारे 40 लाख के सुंदर साथ में अभी भी लाखों सुंदर साथ ऐसे हैं जिनके पास दस रुपए की भी किताब खरीदने की व्यवस्था नहीं होती संसार में जो जितने अन्य भारतवर्ष के अनेक भागों में ऐसे गरीब आदिवासी इलाके हैं जहां के लोग दाने दाने को तरसते हैं तो मैं यही कहूंगा आज होली के नाम पर जितना कुछ हो रहा है हिंदू समाज में आडम्बर दीपावली के नाम पर पटाखे फोड़ने का आडम्बर होता है अब जानते हैं ना प्रदूषण कितना फैल रहा है दिल्ली के लोग प्रदूषण में कितने घिर जाते हैं कि उनका जीवन संकट में हो जाता है हमें इसकी चिंता नहीं होती पूरा हिंदू समाज पटाखे छोड़ करके खुश होता है आज मांस खाकर शराब पीकर नशा करके हृदंग मचाएगा वैदिक परंपरा में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आज के दिन मांस खाओ शराब पियो रंग दूसरे पर डाला जाता है इसका क्या उद्देश्य है वैसे गुलाल डालने का उद्देश्य था लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाले देखन मैं गई हो गई लाले लाल लाली मेरे लाल की लाल किसको कहते हैं प्रीतम को प्रीतम के प्रेम का एहसास जब होता है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल जब हमें राज्य के प्रेम का अनुभव हो जाएगा तो सारा ब्रह्मांड ही प्रेम में ही लगेगा हम राज्य से गिले से क्या नहीं करते करेंगे कि राज्य ने हमको प्रेम नहीं दिया उल्टे कह रहे कि लाओ प्यार करो दीदार उन्होंने ने तो हमारे लिए प्रेम का दरवाजा खोल रखा है श्रृंगार का दूसरा प्रकरण होगा हुक्मे इश्क का द्वार खोल जाए प्रेम का दरवाजा राज्य ने खोल खोल दिया लेकिन हम उसको लेने की सामर्थ्य नहीं रखते समर्थ है हमें बोध ही नहीं कि हम उस समर्थ को प्राप्त भी कर सकते हैं तो परिणाम क्या होता है सबसे रोते रहते क्या करें राज्य ने उनको तो इसको दिया हमें नहीं दिया इसका तात्पर्य क्या है आप सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य बेईमानी कर रहे हैं पक्षपात कर रहे हैं मेहर सब पर महबूब की पर पावे करनी माफक हमें चिंतन करना होगा कि कहीं हमारी करनी में चूक हो रही है जिससे हमारे अंदर प्रेम नहीं आ पा रहा है जब प्रेम नहीं है तो धनी का दीदार कैसे हो धनी के प्रेम का कैसे अनुभव हो इसलिए राज्य पर आक्षेप लगाते हैं, लगाते हमारी उम्र की एक लंबी अवधि बीत जाती है हम स्वयं चिंतन नहीं करते कि हमसे चुप क्या हो रही है इसलिए हमारे अंदर कर्कशता पैदा हो जाती है हमारा हृदय संवेदना से रहित हो जाता है और हमारे हृदय में धनी के चरण कमलों की सुगंध नहीं आ पाती है होली के पवित्र त्यौहार पर सब सुंदर साथ को भूल जाना चाहिए कौन गुजराती है कौन पंजाबी है कौन नेपाली है कौन यूपी का है कौन बिहार का है परम धाम से आए हैं सब परम धाम के हैं न हमारी कोई जाति है न हम ब्राह्मण हैं न क्षत्रिय हैं न वैसे हैं न शूद्र हैं हम तो परम धाम के हैं शरीर यहाँ का पैदा हुआ है किस कुल में पैदा हुआ है कैसी जगह पर है यह संसार के लिए है हमारे लिए नहीं और जब तक हम आत्मोत् सर्वभूत या सब पंडित अपने समान सभी प्राणियों में एक चेतना का अस्तित्व तो नहीं देखेंगे तब तक हमारा हृदय संकीर्णता से ऊपर नहीं उठ पाएगा और जब तक हमारे अंदर संकीर्णता बनी रहेगी तब तक हम अध्यात्म का स्वर्णिम पथ नहीं चुन पाएंगे जब अध्यात्म के स्वर्णिम पथ का चयन नहीं होगा तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा पहले ही मैंने कहा यदि मानसिक प्रदूषण है वैचारिक प्रदूषण है तो हमारा हृदय कैसे पवित्र होगा क्योंकि यदि हमारे मन में बुरे संकल्प विकल्प उठ रहे हैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार के घृणा के तो क्या होगा वो कभी न कभी ज्वालामुखी की तरह फूट ही जाएगा यदि वैचारिक प्रदूषण है तो वैचारिक प्रदूषण हमारे मन को प्रभावित करेंगे और परिणाम हमारा हृदय कभी भी राज्य के प्रेम का अधिकारी नहीं हो पाएगा अभी हमारे समाज में क्या है एक वैचारिक प्रदूषण चल रहा है और उस प्रदूषण को फैलाने वाले कभी नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा जैसे भूलवश समाज के कुछ अग्रगण्य विद्वानों के मन में ये बात आई कि प्राण राज्य देवचंद जी के शिष्य हैं और देवचंद जी कृष्ण परमात्मा के भक्त हैं अब उनको पता तो चल गया है कि नहीं मीराज का तन देवचंद जी के चरणों में जाता है मीराज देवचंद जी के शिष्य हैं प्राणनाथ प्रियतम अक्षरातीत के को कहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि यदि हमने इस बात को स्वीकार कर लिया तो लोग कहेंगे कि इनको तो आता ही नहीं था इसलिए अपनी भूल को सुधारने की जगह उसको महिमा मंडित करने में लगे इसको क्या कहते हैं वैचारिक प्रदूषण जानते हैं कि ये दूषित विचार है प्राणनाथ की परिभाषा आनंद सागर ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से की गई है प्राण रूपा प्रिया सभी आत्माएं किया है प्राण रूप है किसकी अक्षरातीत की, की। राज्य ने कहा सखी तमें मारा जीवन चौरास में कह दिया तुम मेरे तुम मेरे जीवन के आधार हो तुम मेरी प्राणेश्वरी हो प्राणेश्वरी किसको कहते हैं जिसके बिना उसका अस्तित्व ही न रह जाए सखियां राज्य के प्राणेश्वरी हैं और राज्य सखियों के क्या है प्राणेश्वर जीवन के आधार हैं आसिक इन चरण के आसिक के रूह चरण आसिक इन चरण के सृष्टि क्या है राज्य के चरणों की आसिक है आशिक की रू चरण और धनी के चरण कमल ही आशिक की रू चरण धनी के चरण कमल ही ब्रह्मसिष्टियों के जीवन के आधार हैं ब्रह्मसिष्टि आशिक है, है राज्य के चरणों की और धनी के चरण कमल ही उनके जीवन के आधार हैं और राज्य का आधार कौन है प्रीतम में मेरे प्राण के अंगना और तमनोर राज्य कहते हैं तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो हम उनका कहते हैं प्राणनाथ वो हमको कहते हैं कि तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो तुम मेरे प्राणनाथ हो तुम्हारे बिना मैं नहीं मेरे बिना तुम नहीं इस संबंध को तो हम समझते ही नहीं सागर के बिना लहरों का अस्तित्व नहीं और लहरों के बिना सागर की क्रीड़ा नहीं हो सकती वो तो उसको तो झील कहा जाएगा सागर कहा ही नहीं जा सकता सागर का जल कभी स्थिर रह ही नहीं सकता यदि हम समझ जाएं तो शायद हम अपनी गरिमा को भी समझेंगे हम यदि संसार के महापुरुषों से जीवों से ऊपर नहीं उठ सकते तो ऐसा आचरण न करें कि संसार के जीव हमारे ऊपर हंसी उड़ाएं कि परम धाम की ब्रह्मात्माओं तुमसे अच्छे तो हम हैं तुमसे ज़्यादा सत्य हम बोलते हैं तुमसे ज़्यादा करुणा हमारे अंदर है तुम्हारे से ज़्यादा विनम्रता हमारे अंदर है तुम्हारे से ज़्यादा त्याग भक्ति तपस्या हम करते हैं मैं आपको तपस्या करने के लिए नहीं कह रहा हूं तब किसको कहते हैं मन का वाणी का और शरीर का तीन तरह का तप होता है शरीर से शुभ कार्य करें यह शरीर का तप है मन को विषयों में जाने से रोकें ये मन का तप है अनुद्वेग कर्म सत्यम प्रियतम च हम ऐसे वचन बोले जिससे किसी को उद्वेग न हो तो ये वाणी का तप है सत्य हो प्रिय हो हितकारी हो यदि हम ऐसे शब्द कहते हैं किसी के हृदय को चोट लगते लगती है तो इसको हम वाणी का पाप कहते हैं मेरे कहने का सही है सब सुंदर साथ अब तक जो भी हुआ हो उसको भुलाएं जो भी भूले हुई हो, एकांत एक में बैठकर आत्मचिंतन करें अपने को जागने के स्वर्णिम पथ पर ले चलें दृढ़ संकल्प करें कि हमें भविष्य में कभी किसी को कट वचन नहीं बोलना है कुछ भी बात हो शालीनता से कहिए किसी भी विकट परिस्थिति में पश्य हों चीख चीख करके ना बोलें क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं होता है आप नदी के किनारे समंद के किनारे जाएंगे दल दल में आपका फंस जाएगा जितना जोर से खींचेंगे उतना ही धंसता जाएगा आप धैर्यपूर्वक लेट जाइए और धीरे से अपने पैर को निकाल लीजिए संकट कितना भी हो चाणक्य ने कहा है कि संकट में कभी भी घबराओ नहीं धैर्य से सोचो यदि असफलता किसी कार्य में होती है तो क्रोध न करो शांति से सोचो कि असफलता का मूल कारण क्या है और उस समस्या का निदान करो किसी भी परिवार में समाज में संस्था में राष्ट्र में परेशानियाँ आती रहती है मनुष्य कभी सफल होता है कभी असफल होता है घोड़े पर चढ़ता है तो कई बार गिरता भी है लेकिन दृढ़ संकल्प होगा तो एक दिन घोड़े परवश चलेगा इसलिए हम राज्य की महिमा पर उनकी गरिमा पर उनकी लीला पर विश्वास करें हमारे जीवन में भी असफलताओं के क्षण आते हैं तो हम उत्तेजित ना हों हम धैर्य बनाए रखें शांति बनाए रखें हम प्रेम की पवित्र दृश्य दूसरों को देखें जैसे कि हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत जो परम धाम में लीला करते हैं हम संसार के सामने उनके अंग होने का दावा करते हैं तो मैंने वही कहा जाको नाम रसना होसी कैसी मीठी हक जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबान हो तीन माफक एक छोटे से दृष्टांत से इस तथ्य को मैं स्पष्ट कर दूँगा एक राजा जंगल में शिकार करने गया था भूल गया था अपने सैनिकों से कहा कि भाई खोजो हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है एक सैनिक खोजता खोजता एक कुटिया के पास पहुंचा, देखा कि एक महात्मा जी ऋषि मनी तपस्या कर रहे हैं जाते ही है पूछते हैं कि अंधे बाबा हम रास्ता भूल गए हैं रास्ता बता दो महात्मा जी कुछ नहीं बोलते हैं कई बार बोला महात्मा जी नहीं बोलते हैं आकर के सैनिक कहता है कि महाराज एक अंधा महात्मा है शायद गुंगा भी है मैंने कई बार बोला उसने बोला ही नहीं राजा ने अपने कुतवाल को कहा कि जाकर के तुम पता लगाओ क्या बात है कुतवाल जाता है कहता है कि बाबा हमें रास्ता बता दो हम भूल गए हैं तब भी महात्मा नहीं बोलते कुतवाल भी आकर कहता है कि राजा महाराज हमने कई बार आवाज़ दी वो तो महात्मा बोलता ही नहीं है और आंखें भी बंद किया है लगता है कि अंधा भी है बहरा भी है गूंगा भी है राजा ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा प्रधानमंत्री अब आप जाओ पता लगाओ वो महात्मा बताते क्यों नहीं है जब इस वन में रह रहे हैं तो उनको अवश्य पता होगा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए वह जाता है प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाबा जी हम इस जंगल में भटक गए हैं हम जाने का रास्ता बता दीजिए तो भी महात्मा बोलते नहीं हैं अब राजा की बारी है राजा स्वयं आता है राजा सबसे पहले महात्मा के को प्रणाम करता है कहता है कि भगवान आपकी कृपा होगी हम भटक गए हैं इस वन से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए अब महात्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती है कहते हैं कि राजन इस रास्ते इधर से जाओ तुम्हें रास्ता मिल जाएगा राजा पूछता है कि मेरे पहले मेरे सैनिक आ गए कुतवाल आ गया प्रधानमंत्री आ गया उनको तो आपने कुछ बताया नहीं और आप आंखों आँखों से अंधे प्रतीत होते हैं कैसे आपने समझ लिया कि मैं राजा हूँ महात्मा बोलते हैं कि आपकी आवाज़ ने बता दिया कि आप ही महाराजा हैं पहली बार जो आया उसके बोलने के ढंग से मैं समझ गया कि ये सैनिक की भाषा है दूसरी बार जो आया जिसने बोला मैं समझ गया कि कोतवाल ऐसे बोलता है तीसरी बार जब बोला तो मैं समझ गया कि प्रधानमंत्री बोल रहा है जब आप आए आपके शिष्टाचार को आपकी विनम्रता को देखकर मैं समझ गया कि ये राजा के सिवा कोई अन्य नहीं बोल सकता आप सोचिए यदि देश का राष्ट्रपति दिन में पांच पर पार अपने सचिव पर गुस्सा निकालने लगे जैसे कि आप लोग चिखते चिल्लाते हैं आप सोचते हैं मंच पर यदि राष्ट्रपति एक बार गुस्सा कर जाए तो पूरी दुनिया में थल मच जाएगा अक्षर ब्रह्म के एक भ्रिकटीय विलास से असंख्य ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाता है तो आप परम धाम की हैं, अपनी गरिमा का एहसास करके अपने व्यवहार को ऐसा बताइए जिससे सबको पता चले कि हमें कैसा होना चाहिए आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा तो संसार का कल्याण होगा और जैसा कि मैंने कहा आप शादी विवाह में फिजुल खर्चियाँ बंद कीजिए उसको गरीब सुंदर साहद को साहित्य देने में खर्च लगाइए संसार के कल्याण के बारे में लगाइए मंदिरों में सोने चांदी चढ़ा करके आप राज्य को खुश नहीं कर सकते हैं इन फिजूल खर्चियों को रोककर संसार में ज्ञान के प्रकाश में दूसरों के ऊपर दया करने में भूखे नंगों को खिलाने में उसमें ध्यान बटाइए राज्य को छप्पन भोग खिलाएंगे राज्य एक दाना भी नहीं खाएंगे वो कौन खाता है आप सबको मालूम ही है इसलिए आज के दिन आप ये संकल्प करके जाएंगे मैं यही शुभकामना करता हूँ आपका एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने चितवनी ना कहो अब मेरा समय पूरा होता है मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे